स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के अफजलगढ़ में लकड़ी माफियाओं ने काटे हरे फलदार पेड़, वन विभाग सोया कुंभकर्ण की नींद। बिजनौर अफजलगढ़ में क्षेत्र में अवैध रूप से लकड़ी कटान का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। मैकपुर मोजा में वन विभाग की मिली भगत से परमिट के आड़ लेकर लकड़ी माफियाओं ने आम के दर्जनों हरे भरे पेड़ काटकर आम का बाग साफ कर दिया। लकड़ी माफियाओं की सक्रियता का आलम यह है कि वह दिन दहाड़े कीमती से कीमती पेड़ काटने में भी नहीं चूकते। शुक्रवार को लकड़ी ठेकेदारों ने वन विभाग की मिली भगत से आम के हरे भरे 3 दर्जन से अधिक पेड़ों पर आरा चला दिया। उधर अधिकारियों का कहना है कि पेड़ सूखे व रोगग्रस्त हैं, जिनकी परमिशन दी गई है, जबकि मौके पर करीब 40 से अधिक पेड़ काटे गए थे, जबकि इनमें से आधे से अधिक पेड़ हरे भरे व स्वस्थ हैं। इतना ही नहीं, मौके से लकड़ियां भी आनन फानन में भरवा कर भेज दी गई। इसके अलावा टहनियों का साफ करने के उद्देश्य से मौके पर ही थोड़ा चिपर कटर चलाकर नामों निशान मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उधर वन विभाग के SDO हरि सिंह का कहना है कि मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर संवाददाता शमीम अहमद की रिपोर्ट।